नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ सिंह आप सबका स्वागत करता हूं पहाड़ी फ्रेंड्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं कश्मीर टूर बजट। जी हां, समर जोन में जैसा कश्मीर घूमने के लिए मिलता है शायद ही आपको कोई ऐसी प्लेस पूरे ऑल इंडिया में मिलती हो। स्विट्जरलैंड कहा जाने वाला कश्मीर इन दिनों काफी सुर्खियों में बटा हुआ है। जी हाँ, कश्मीर पिछले 3 माह में लगभग 3 लाख से भी ज्यादा टूरिस्ट आ चुके हैं। आने का यही कारण है कि कश्मीर में जो टूरिज्म को बढ़ावा मिल रहा है और टूलिप गार्डन, डल लेक के जैसे जैसी खूबसूरत प्लेसेस को विजिट करना टूरिस्ट के लिए एक आम बात सी हो गई है। जी हाँ, आप सबको बताना चाहूंगा कश्मीर आने वाले टूरिस्ट को आज मैं इस वीडियो में कम्प्लीटली टूर बजट के साथ साथ कश्मीर की बेस्ट प्लेसेस, सेफ प्लेसेस भी बताने वाला हूँ और साथ ही ये भी बताने वाला हूँ कश्मीर आने के बाद आपको टूलिप गार्डन, मुगल गार्डन, शालीमार गार्डन, डल लेक कैसे जाना है। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप सब तक हम डेली अपडेट्स ला सकें। दोस्तों कश्मीर इन दिनों इसीलिए सुर्खियों में बना हुआ है क्योंकि एशिया का लॉन्गेस्ट टूलिप गार्डन ओपन हो गया है। जी हाँ, टूलिप गार्डन में हर दिन टूरिस्ट बहुत ही ज्यादा संख्या में पहुंच रहे हैं। टूरिस्ट यहाँ पर कहीं सारे बाहरी राज्यों से हैं और कहीं फॉरेन से भी हैं। जी हाँ, आप सबको बताना चाहूंगा कि कश्मीर में इन दिनों गर्मियां हो रही हैं और गर्मियों के दिनों कश्मीर में अपनी छुट्टियां व्यतीत करने कहीं सारे कपल्स और टूरिस्ट आते हैं जो अपने बच्चों के साथ भी आते हैं। कश्मीर आने के लिए आप सबको सबसे पहले ट्रेन पकड़नी होगी या फिर फ्लाइट से आप डायरेक्टली कश्मीर तक पहुंच सकते हैं। नजदीकी एयरपोर्ट यहां पर श्रीनगर एयरपोर्ट है और आप नहीं तो जम्मू तक ट्रेन से भी पहुंच सकते हैं। जम्मू के बाद आप प्राइवेट टैक्सी, गवर्नमेंट बसेस, वोल्वो बसेस से कश्मीर पहुंच सकते हैं। शॉर्टली तरीके से आप सबको बताना चाहूंगा जम्मू से श्रीनगर पहुंचने का किराया 500 से 600 रुपये है, ठीक है, गवर्नमेंट बसेस का। ठीक है, इसमें अलग अलग श्रेणी की बसेस हैं, अगर आप जाना चाहते हैं तो इसमें अलग अलग बसेस से जा सकते हैं। ठीक है, अब आपको बताना चाहूंगा कश्मीर पहुंचने के बाद, श्रीनगर पहुंचने के बाद आप कहां कहां पर जाएं। दोस्तों कश्मीर में पहुंचने के बाद आप डल लेक, कश्मीर शिकारा राइड भी कर सकते हैं, हाउस बोट में भी रह सकते हैं। और आप सबको बताना चाहूंगा साथ ही में शालीमार गार्डन, टूलिप गार्डन, टूलिप गार्डन एशिया का सबसे बड़ा गार्डन है जो कि सबसे खूबसूरत गार्डन है। ठीक है, इसमें अलग प्रकार के काफी सारे विदेशों के, भारत की अलग अलग स्टेट्स के फूल लगाए जाते हैं। ये काफी बड़ा टूलिप गार्डन है। ठीक है, इसमें घूमने का एक अलग ही मजा है और इसमें जो घूमा वो तो स्वर्ग की यात्रा कर लेता है। दोस्तों पहलगाम, गुलमर्ग भी घूमने के लिए इस वक्त काफी अच्छा है। ऊपर से गर्मी और नीचे बर्फ, बहुत ही खूबसूरत आकर्षण देखने को मिल रहा है कश्मीर में। अगर आप भी गर्मियों की छुट्टियां व्यतीत करने कश्मीर पहुंच रहे हैं, आप सबको बताना चाहूंगा कश्मीर श्रीनगर में 500,000 रुपए के गेस्ट हाउसेस भी आपको अवेलेबल रहते हैं जो काफी सस्ते हैं। और दिन को आप टूलिप गार्डन, नजदीकी गार्डन है ये भी, डल लेक से काफी नजदीक है, और साथ में आप शालीमार गार्डन, मुगल गार्डन, बादामवाड़ी और भी कहीं सारे गार्डन्स को विजिट कर सकते हैं। नॉर्मल इसका बजट है पर डे में। ठीक है, और साथ में आप सबको ये भी बताना चाहूंगा कश्मीर आने के लिए आपका ये बजट, अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं, ठीक है, मात्र 5,000 में आप कश्मीर घूमकर जा सकते हैं। टूलिप गार्डन, डल लेक, शालीमार गार्डन, मुगल गार्डन, ये सभी आप घूमकर जा सकते हैं। ठीक है, काफी आकर्षण खूबसूरत बना हुआ कश्मीर में। पिछले 3 माह में 3 लाख से ज्यादा टूरिस्ट कश्मीर को विजिट कर चुके हैं। जी हाँ, आपसे भी मैं यही निवेदन करूंगा, कश्मीर आइए, जम्मू कश्मीर आइए, माँ वैष्णो देवी जी आइए, श्री अमरनाथ जी यात्रा पर आइए, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में अपनी आनंद भरी जिंदगी जीजिए। जी हाँ, आप सबको बताना चाहूंगा कश्मीर में इस वक्त काफी अच्छा माहौल बना हुआ है, तो इससे कम सुनहरा मौका आपको किसी टाइम भी नहीं मिलेगा, यानी इतना अच्छा सुनहरा मौका आपको किसी और टाइम नहीं मिलने वाला। तो इसीलिए कश्मीर जरूर आइए, इस टाइम आप सबके लिए टूलिप गार्डन भी ओपन है और भी कहीं सारे गार्डन्स ओपन है, और डल लेक का राइड भी लीजिए, शिकारा हाउस बोट में नाइट स्टे भी कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो आपने भाई सौरभ सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।